सर लोग कह रहे हैं कि स्कूल हम लोग के बंद करने के लिए बोला, सर लोग नहीं आ रहे पढ़ाने, ना मैडम आ रही है ना सर आ रही है, मिर्जापुर में भेजा गया है। स्कूल बंद हुआ है तो लड़का लोग हम मिर्जापुर बोला कि भेजे, हम लोग मिर्जापुर नहीं जाएगा, जब पढ़ेगा तो स्कूल में पढ़ेगा, नहीं तो हमको लड़का स्कूल नहीं जाएगा उसका मिर्जापुर। एक बार जो हम लोग बच्चा भेजते हैं शाम में ही बच्चा जाता है, यहाँ से बच्चा कहीं नहीं जाता है, और उतना दूर छोट छोट बच्चा कैसे जाएगा उतना दूर नजदीक, बताइए तो। बीच में जंगल है, फर्दो भर जाएगा, सांप है, कुत्ता है, कैसे बच्चा से जाएगा वो कानी माए। मतलब वंचित कर दिया जाए, वो लोग पढ़ नहीं पाए, वो लोग रोड पर बहुआए, वो गलत रास्ता पकड़े, इसके लिए ये व्यवस्था किया गया है। ये कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक साजिश है, ये स्कूल नहीं व्यवस्थित यहाँ पर चलती है। तो तमाम स्कूल के बच्चों के साथ साथ हम अपने तमाम लोकल जनप्रतिनिधियों को भी कहेंगे, प्रखंड से लेकर जिला तक हम लोग धरना प्रदर्शन देने का काम करेंगे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। कांटी प्रखंड के मानिकपुर नौतन पंचायत स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय तुरहा टोला में शिक्षा विभाग का फरमान जारी होने के बाद आज सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग विद्यालय पहुंचकर विरोध जताया। आपको बता दें कि पूरा मामला विद्यालय के सभी बच्चों के साथ शिक्षक का भी दूसरे पंचायत के विद्यालय में जाने का आदेश जारी शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया। हालांकि इस विद्यालय में सारी सुविधाएँ होने के बावजूद भी विद्यालय में बच्चे पठन पाठन नहीं कर सकते हैं, जिसका विरोध अब शुरू हो गया है। हालांकि स्थानीय मुखिया शशि ठाकुर ने बताया कि शिक्षा विभाग के फरमान से पंचायत के बच्चों को पठन पाठन की सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी आदेश दे दिया गया कि दूसरे विद्यालय में जाकर पढ़ाई करने के लिए, जो पूरी तरह से गलत फरमान है। वहीं कांटी प्रखंड प्रमुख कृपा शंकर शाही भी शिक्षा विभाग के फरमान को गलत ठहराया और आंदोलन की चेतावनी दी है। स्कूल बंद होने वाला है, इसीलिए हम लोग घेराव किए हैं। क्या बोला जा रहा है? क्या जा रही है? बोला जा रहा है जो बंद कर रही है। हम लोग चाह रहे हैं कि हमको बच्चा इसी स्कूल में पढ़े, यहीं पढ़े, हम लोग अपना क्षेत्र में पढ़ाएंगे, हम दूसरा क्षेत्र में नहीं भेजेंगे, बस हम लोग यही मांगे। सर लोग कह रहे हैं कि स्कूल हम लोग के बंद करने के लिए बोला, सर लोग नहीं आ रहे पढ़ाने, ना मैडम आ रही है ना सर आ रही है, मिर्जापुर में भेजा गया है टूटने वाला। मैडम ले जाते, मैडम रिस्क उठाता है, तब हम का बच्चा जाता है मिर्जापुर, और नहीं तो बच्चा हमारे इसी लोग पढ़ेगा, नहीं जाएगा दूसरा जगह। आदेश एक महीना पहले से है, तब स्कूल 8 दिन पहले से बंद हुआ है। स्कूल बंद हुआ है तो लड़का लोग हम मिर्जापुर बोला कि भेजे, हम लोग मिर्जापुर नहीं जाएगा, जब पढ़ेगा तो स्कूल में पढ़ेगा। यहाँ का स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, ये स्कूल चालू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़े भी है, यहाँ की मैडम भी अच्छी है, अगर बच्चा नहीं आता है तो घर घर से जाकर बुला के लाती है। पठन पाठन की व्यवस्था यहाँ पर ठीक है, सुचारू रूप से सब चीज है, कोई चीज की कमी नहीं है। एक बार जो हम लोग बच्चा भेजते हैं शाम में ही बच्चा जाता है, यहाँ से बच्चा कहीं नहीं जाता है, और उतना दूर छोट छोट बच्चा कैसे जाएगा उतना दूर नजदीक, बताइए तो। सरकार तो बोल रही है कि व्यवस्था जो किया जा रहा है बच्चों सबके लिए, नहीं सरकार से हमको यही निवेदन है कि ये स्कूल रहने दिया जाए, स्कूल को ना तोड़ा जाए। हम लोग को आज तक कुछ भी नहीं हुआ, कोई बच्चा को नहीं, कितना बच्चा यहाँ से पढ़ के निकला है, तो कोई पहले कुछ नहीं हुआ, अब कैसे कुछ हो जाएगा। लगभग यहाँ पे कितना बच्चा पढ़ता है वो तो नहीं पता, बहुत सारा बच्चा है, मतलब गिनती नहीं कर सकते आप, 1 से लेकर 5 तक स्कूल है, तो 5 क्लास में इतना सारा बच्चा है, पूरा समझे कि मानिकपुर गांव का और भी अदर गांव का सारा बच्चा यहाँ पढ़ता है, तो सोच सकते हैं कितना बच्चा पढ़ सकता है। यही सब आप लोग को परेशानी है? जी हाँ। आपका भी बच्चा है इसमें? जी हाँ। नाम क्या है उसका? नुसरत परवीन, 4th क्लास में है। हमको बच्चा सके दूसरा स्कूल में भेज रहा है सर, ये बच्चा सब छोट लदान बच्चा है, कोई स्कूल में जाए नहीं पाएगा। ये तरफ रोड है, इस तरफ पानी है, वो बच्चा कहाँ जाएगा, कोई माँ बाप तो नहीं साथ जा रहा है, जंगल है, कोई भी बात हो सकता है। ये मानिकपुर तुरहा टोला है, इसीलिए अभी आप लोग हंगामा कर रहे हैं। हाँ यही लगे। आप देखिएगा जिस स्कूल में टैग किया गया है उसका भवन आज के डेट में परित्यक्तावस्था में है, वहाँ कब गिर जाएगा भवन उसका पता नहीं है। एक पंचायत, अब समझिए पंचायत वार जो प्राथमिक विद्यालय का जो संरचना है आज के डेट में बिहार में, उसमें ये पंचायत शिक्षक होते हैं, पंचायत शिक्षक गवर्न होते हैं ग्राम पंचायत से, एक पंचायत से उठा के दूसरे पंचायत में टैग कर दिया गया। अब वो शिक्षक किस पंचायत के पंचायत शिक्षक होंगे,
वो सब छोड़ दीजिए, एक लगातार जो मतलब वर्षों से माता पिता जहाँ पढ़े वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, आज अचानक उस संरचना को बंद करने की क्या आवश्यकता आ गई? भूमिहीन कह के इस चीज़ को हटाया गया यहाँ से। आप देख रहे हैं यहाँ पे भवन सहित है, भूमिहीन तो दूर कहिए, भवन सहित है, सारी चीज़ें हैं, सारी व्यवस्थाएँ हैं, आप देख सकते हैं, आप खुद ही देखिए इसको और समझिए। बिल्कुल टैग करने के मामले में बड़ी लापरवाही हुई है। आप देखिएगा एक और मामला पानापुर हवेली में भी ऐसा ही है, बहुत ही अच्छी स्थिति में भवन से उठा के एक जर्जर भवन में टैग कर दिया गया है। तो ये सब देखने की चीज़ है, शिक्षा विभाग में अभी घोर अनियमितता के तहत ये सब कार्रवाई हुई है। हम लोग मुखिया जी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जो ACS शिक्षा विभाग हैं उनको लिखने का काम किया है। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि इस पर वापस विचार करके, पुनर्विचार करके स्कूल को, इस संस्थान को, वर्षों से जो चला आ रहा है संस्थान, उसको फिर से चालू करने की कृपा की जाए। शिक्षा विभाग का तुगलकी फरमान है, मतलब कहिए कि सरकार और शिक्षा विभाग मतलब बिना जांचे बिना सोचे समझे शिक्षा विभाग में प्राथमिक 1-5 स्कूल हो या 1-10 तक स्कूल हो, किसी स्कूल में शिक्षा समिति का गठन होता है। हर स्कूल में कोई भी क्रियाकलाप करने से पहले शिक्षा समिति से उस पर राय मशवरा किया जाता है कि इसमें ये काम करना है, इसमें शिक्षक का ट्रांसफ़र करना है, नियुक्ति करना है, कोई भी बात के लिए जो शिक्षा समिति बनाया हुआ है। तो आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ पर मानिकपुर नौतन पंचायत के तुरहा टोली में वार्ड संख्या 12 में जो 2006 से लगातार व्यवस्थित स्कूल चल रहा है, जो 2 मंजिला स्कूल है जिसमें 250 से 300 बच्चा यहाँ पर है और यहाँ पर 3-3, 4-4 शिक्षक की नियुक्ति है, लगातार सरकारी शिक्षक है, उसके बाद भी किसी को जानकारी के बिना, शिक्षा समिति को जानकारी नहीं है, स्थानीय मुखिया को जानकारी नहीं है, स्थानीय वार्ड सदस्य को जानकारी नहीं है, न किसी ग्रामीण को जानकारी है, बिना किसी जानकारी बिना किसी जांच के शिक्षा विभाग द्वारा एकाएक लेटर भेज दिया जाता है कि यहां से इस स्कूल को मर्ज कर दिया गया है और इस स्कूल के जितने शिक्षक हैं दूसरे पंचायत, जो कि इस पंचायत में 1-5 तक का स्कूल, पंचायत में ही पावर है, पंचायत में ही कहीं पर ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा सकता है, पंचायत में ही मर्ज किया जा सकता है, तो दूसरे पंचायत में भेज दिया गया है। तो ये तो हम कहेंगे शिक्षा विभाग का सारे सारा मतलब एक राजनीतिक ढंग से, मतलब कहीं ना कहीं साजिश और राजनीतिक ढंग से इस स्कूल को भेजा जा रहा है, इस पंचायत को और इस पंचायत के लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए। और छोटे बच्चे जो पीछे देख रहे हैं, हमारे पीछे पूरे दलित समाज के, अति पिछड़ा दलित समाज के पूरे बच्चे हैं, उनको पढ़ने से मतलब वंचित कर दिया जाए, वो लोग पढ़ नहीं पाए, वो लोग रोड पर बौआए, वो गलत रास्ता पकड़े, इसके लिए ये व्यवस्था किया गया है। ये कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक साजिश है। हम चाहेंगे कि आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, शिक्षा विभाग के CSC विभाग में भी लेटर दिया गया है, जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है, जिला अधिकारी महोदय को हम लोग लेटर देने जा रहे हैं, सब जगह, और हमारे तमाम जनप्रतिनिधि, हमारे प्रखंड प्रमुख जी यहाँ पर उपस्थित है, हम विधायक जो कि टेलीफोनिक सूचना दिए हैं, हम तमाम जनप्रतिनिधि लोगों से भी आग्रह करेंगे कि इस तमाम बिंदु पर जाँच करा के शिक्षा विभाग से और पुनः ये इस स्कूल को सुचारू ढंग से चालू करवाने की क्या रणनीति रहेगी आगे स्कूल का? अगर ये स्कूल नहीं व्यवस्थित यहाँ पर चलती है तो तमाम स्कूल के बच्चों के साथ साथ हम अपने तमाम लोकल जनप्रतिनिधियों को भी कहेंगे, प्रखंड से लेकर जिला तक हम लोग धरना प्रदर्शन देने का काम करेंगे।